हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल काफी जो होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका फादर्स नेम गलत अपडेट हो चुका है, कंपनी ने गलत अपडेट कर दिया, जिसकी वजह से आपको काफी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी वगैरह करते हैं तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है, या तो फिर अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में पीएफ क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम भी यहां पे रिजेक्ट हो जाता है फादर नेम मिसमैच के कारण, ठीक है। और आप अपने पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम को ठीक करवाना चाहते हैं, करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम को करेक्शन करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस के बात कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम गलत होता है, उसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ये बहुत तरह से कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस, कोई भी ऑनलाइन सुविधा नहीं दिया गया, जहां से इजी वे में घर बैठे आप अपना पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम करेक्शन कर सके, ठीक है। चाहे आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो या ना हो, ठीक है, आपको ऑफलाइन प्रोसेस से ही गुजरना होगा, ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही आप अपना पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक सुविधा दिया गया, अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम में या तो फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर आप करेक्शन करवा लेते हैं, और सेम एज अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में भी करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों घर बैठे ही ऑनलाइन तरीका से करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फादर्स नेम करेक्शन करने का केवल एक ही प्रोसेस है, वो है ऑफलाइन, ठीक है। चाहे आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो या ना हो, ठीक है, दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए केवल आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म किस प्रकार से आता है, कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से फिलअप करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल से स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। ये फॉर्म दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, या तो फिर आप अपने कंपनी से ले लीजिए, या तो फिर अपने पीएफ ऑफिस से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सो यहाँ पर आपको डेट देना है, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रीजनल पीएफ ऑफिस का एड्रेस देना होता है, ठीक है। जो भी आपका रीजनल पीएफ ऑफिस होगा उसका एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा। रीजनल पीएफ ऑफिस का कहने का मतलब होता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी किस पीएफ ऑफिस में रजिस्टर है, ठीक है, उसी को रीजनल पीएफ ऑफिस कहते हैं, और उसी पीएफ ऑफिस का दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपको देना होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होता है, जो भी आपका नाम होता है वो यहाँ पे दीजिए। उसके बाद जो भी आपका कंपनी का नाम है वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यूएन नंबर देना है, चाहे आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो या ना हो, आपको यूएन नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो भी आपका कंपनी का एस्टैब्लिश नंबर होता है वो यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आपको कंपनी का एस्टैब्लिश नंबर पता नहीं है तो आप अपना कंपनी से पता कीजिए, या तो फिर ऑनलाइन तरीका से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तरीका से किस प्रकार से पता करना होता है मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर हमारा प्ले लिस्ट चेक कीजिए, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम करेक्शन करना है, उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ नजर आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, इस फॉर्म के माध्यम से काफी सारा चीजों को ठीक करवा सकते हैं, जैसे कि नाम ठीक करवा सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ फादर्स नेम ठीक करवा सकते हैं, जेंडर ठीक करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक करवा सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग ठीक करवा सकते हैं, ठीक है, काफी सारा ठीक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फादर्स नेम ठीक करवाने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पे फादर्स नेम वाला सेक्शन में आ जाइए, और यहाँ पे देखिए दो कॉलम नजर आता है, एक करेक्ट का एक रोंग का, ठीक है। तो रोंग वाला कॉलम में आ जाइए, जो भी आपके पीएफ अकाउंट में आपका फादर्स नेम गलत अपडेट है, ठीक है, वो रोंग वाला नाम यहाँ पे फिलअप करें, ठीक है। अगर आपको रोंग वाला नाम फादर्स का पता नहीं है कि आपके पीएफ अकाउंट में क्या अपडेट है, तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आपका एक्चुअल में आपके पिताजी का फादर्स का नाम होगा, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, जो सही नाम है, वो नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, ठीक है, इतना ही आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे नाम दे दीजिए। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट नंबर है वो दे सकते हैं, अगर आपको पता है दे दीजिए, या तो फिर से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दे दीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपको पता है तो यहाँ पे दे सकते हैं, या तो फिर से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंपनी छोड़ दिए हैं, आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो चुका है, अगर आपको पता है तो यहाँ पे दीजिए, या तो फिर से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिए, कंपलसरी है। उसके बाद पेन नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे दीजिए, उसके बाद आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के पास आपको जाना होगा, कंपनी के पास जाने के बाद यहाँ पे कंपनी अपना सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे कंपनी का जो सील मोहर होता है, स्टाम्प होता है, वो तो यहाँ पे मार देगा, ठीक है। चाहे आप अपना प्रेजेंट कंपनी से भी करवा सकते हैं, सील मोहर मरवा सकते हैं, या तो फिर अगर आप ओल्ड कंपनी से भी करवाना चाहते हैं तो वहां से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, इतना आपको करवा लेना है, सील मोहर कंपलसरी है, वो आपको मरवाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को आपको वही डॉक्यूमेंट लगाना है
जिस डॉक्यूमेंट में आपका फादर्स नेम सही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या तो फिर आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और उसमें आपका फादर्स नेम सही है, वही नेम अगर आप अपना पी एफ अकाउंट में करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट मल्टीपल भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सिंपल से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, डॉक्यूमेंट ले लेना, फोटो कॉपी ले लेना है, उसके बाद उसमें कंपनी सिग्नेचर मोहर करवाने के बाद जो भी आपका रीजनल पी एफ ऑफिस होता है जहां पर आपने ये एड्रेस यहाँ पर फिलअप किया है, वहां पर जाकर दोस्तों आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट कर देने के बाद विद इन यहाँ पर 7 से लेकर 30 दिन के अंदर में दोस्तों आपके पी एफ अकाउंट में आपका फादर्स नेम कुरेक्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगता है, करीबन 1 महीना यहाँ पे लग जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपके भी पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम गलत है तो किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में फादर्स नेम सही करवा सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो रहा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए इस प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी तो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।